Good evening, good evening Anamika. Good evening Bita.

और स्पेसिफिकली ऑल दो स्टूडेंट्स जो लोग जुडिशरी एपीओ किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पॉक्सो एक्ट क्या बात करता है और उसके सारे नुआंस इसके अंदर हम कवर करेंगे आज का जो लेक्चर होगा आज के लेक्चर के अंदर वी आर नॉट डिस्कसिंग सेक्शन नंबर टू थ्री फोर वन वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट आज के सेक्शन के अंदर मैं आपको इसकी <coughs>

होने से प्रिवेंट करते हैं उसको बचाने के लिए उस बच्चे को बचाने के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन जो है वो इनैक्ट की जाती है दैट इज पॉक्सो एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड लेजिस्लेशन इनेक्ट की जाती है अब इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के पर्पजेस कई सारे थे ठीक है ना बट बिफोर दैट लेट मी टेक यू फर्स्ट पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट सोर्स की तरफ दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द

सो so, ऐसे बच्चों को बचाने के लिए और देखा जा रहा था कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड होते हैं जहां पर बच्चे रिलेटिव uh, वगैरह के साथ में रिसाइड करते हैं बहुत ईजिली बहुत आराम से बहुत इन अ वेरी वेरी इजी मैनर दे आर सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल ऑफेंसेस एवरी मन इज के तो तब जब इस तरीके के अपराध कहीं ज्यादा बढ़ने लग गए तब कुछ चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेश लेने की बात ध्यान में आई कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जैसे कि बच्चों के साथ में ऐसा देखा गया कई सारे फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस होने लगे जैसे कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होने लगा एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होने लगा बच्चे के साथ में सेक्सुअल असोल्ट होने लगा एग्रवेटेड सेक्सुअल असोल्ट होने लगा द चाइल्ड वर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑल्सो बच्चों का यूज पोर्नोग्राफिक अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर तो सुना ही होगा दैट पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन द चाइल्ड कितना इजीली एक्सेसिबल है दैट मींस कि जो बच्चे हैं उनका यूज पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए लगातार किया जा रहा है जब हम इन पर्टिकुलर सारी बातों को देखते हैं व्हेन वी सी एट ऑल ऑफ दीस पर्टिकुलर सिचुएशन तो यह देखकर समझ में आया कि चाइल्ड आर द मोस्ट इजी विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस और ऐसे वक्त पर यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये लोग पहली बार क्या लेकर आते हैं एक ऐसी कन्वेंशन बनाते हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी उनके राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा तब उसी पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड को कई सारी कंट्रीज रेटिफाई करती हैं इसी में ही इंडिया जो हमारी कंट्री है इंडिया इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया इट ऑल्सो रेटिफाइड इट्स पर्टिकुलर कन्वेंशन किस पर्टिकुलर डे पे रेटिफाई किया तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया, कि किया लेजिस्लेशन बनाई जाती है ओवरऑल राइट right, जो बच्चों को प्रोटेक्शन देगी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी इंडिया ने इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को क्या किया साइन किया और जब इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया किस दिन साइन या रेटिफाई किया है? इस कन्वेंशन को ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑफ जैसे ही इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया इसके बाद में आपको पता होगा इज एन आर्टिकल नंबर 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि अगर वो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करती है उसको लॉ के रूप में उसके लॉ के रूप में उस पर्टिकुलरली उसे लेजिस्लेशन का रूप दे सकती है प्रारूप बना सकती है इफ द पार्लियामेंट इफ द इफ अवर कंट्रीज साइंड एनी पर्टिकुलर इंटरनेशनल कन्वेंशन तो पार्लियामेंट उसको लेकर कोई लॉ बनाने की पावर रखती है या आर्टिकल टू फिफ्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्योंकि इंडिया ने एक चाइल्ड राइट्स को लेकर बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेजिस्लेशन को साइन किया था इलेवंथ ऑफ डिसंबर नाइनटीन नाइन्टी टू को इसके बाद जरूरत आन पड़ी कि हम इसे एक लेजिस्लेशन का स्वरूप दें

लेकिन फिफ्टीन क्लॉस थ्री इसका एक एक्सेप्शन वो कहता है कि अगर बच्चों के लिए चाइल्ड के लिए और वुमेन के लिए चाइल्ड के लिए और वुमेन के लिए अगर कोई हमें लॉस बनाने की जरूरत पड़ी फॉर दी एम्पावरमेंट ऑफ चाइल्ड और वुमेन तो हम इस पीछे नहीं हटेंगे और हम चाइल्ड फ्रेंडली लेजिसलेशन या वुमेन फ्रेंडली लेजिस्लेशन हम बनाएंगे तो चिल्ड्रन फ्रेंडली लेजिस्लेशन ही है पॉक्सो एक्ट इन दोनों को देखकर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड क्योंकि इंडिया ने इसे साइन किया रेटिफाई किया और 253 के तहत उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो इसको एक लेजिस्लेशन का स्वरूप दे और साथ साथ व्हेन यू रीड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड प्लस आर्टिकल आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन एवरी वन वॉइस कम आ रही है भाई इज द वॉइस वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल नहीं है क्या एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई मुझे तेजी के साथ में प्रॉबर् नहीं आ रही है क्या भाई एक बार जल्दी से बता दो तेजी के साथ में आनी तो चाहिए भाई का कोई ऐसा होना नहीं चाहिए ऑल क्लियर सर ठीक है परफेक्ट 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके ऑल राइट भाई अगर अच्छी सही सही आ रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लो बाकी लोग जिनको नहीं है राइट तो बहुत मजेदार लेक्चर है सुनो आधे घंटे सुनिएगा इंट्रोडक्शन बहुत मजेदार इंट्रोडक्शन तो नाउ क्या होता है तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड और एक बात और बता देता हूं आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप अपनी बैरेक्ट ओपन करोगे पॉक्सो तो सबसे पहला जो पेज है सेक्शन 1 के पहले आपको यही चीज पूरी डिटेलिंग्स मिलेगी जो मैं आपको कम शब्दों में बहुत आसान तरीके से और बहुत तरीके से समझाऊं तो बहुत ध्यान से सुनना है तो जब बच्चों के साथ में ऑफेंसेस बढ़ने लगे तो यूनाइटेड राइट्स ऑफ चाइल्ड एक प्रोटेक्ट करना इंडिया इस कन्वेंशन को साइन करती है दिसंबर टू को और साथ साथ हमारा एक आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉस थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है तो ये कहता है कि हम बच्चों को क्या करेंगे वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर चाइल्ड एज वेल मतलब हम चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन वुमेन फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन हम बनाएंगे यानी कि बच्चों को एम्पावर करने के लिए जो लॉज बनाने की जरूरत पड़ती है हम बनाएंगे वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत पड़ती है लॉज बनाने की तो हम बनाएंगे ये एक ऐसा ही लॉ था जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस तो 15 क्लॉज थ्री के अंतर्गत और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड का इंडिया एक सिग्नेटरी होने के नाते इंडिया की ऑब्लिगेशन आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह बन जाती है कि वो एक लेजिस्लेशन क्रिएट करे और इसीलिए पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को क्रिएट किया एंड द केम अप अपट इज कॉल्ड एज पॉक्सो एक्ट ऑफ टू राइट right? तो ये तो हुआ रीजन इसको लाने का क्योंकि बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत बढ़ रहे थे जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस बोले तो भैया कई सारे ठीक है जैसे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जैसे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है एग्रैवेेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है इन सब के मायने भी मैं बाद में बताऊंगा इन टुमॉरोस लेक्चर एग्रैवेेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है देन यू हैव देन यू हैव सेक्सुअल असॉल्ट एक सेक्सुअल सेक्शुअल अगर आप चैप्टर नंबर टू को देखोगे अपना चैप्टर नंबर टूट तो चैप्टर नंबर टू आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताता है हमारे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया बच्चे के अगेंस्ट में वो यही कैटेगराइजेशन किया गया

मतलब लेजिस्लेशन को याद करना विल नॉट बी दैट डिफिकल्टिकॉज सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर टू जो मेन चैप्टर है आप लोगों का करेक्ट चैप्टर नंबर टू वो बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेज कितने ए बी सी डी e, पांच फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेस पांच फॉर्म्स में क्लासीफाई करता है करेक्ट सेक्शन सेक्शुअल में बताया गया उसकी पनिशमेंट चार मेंसोल्ट पांच में बताया गया उसकी पनिशमेंट छह में सेक्शुअल असोल्ट सेक्शन सेवन में बताया गया उसकी पनिशमेंट सेक्शन आठ में एग्रोवेटेड सेक्शुअल असोल्ट सेक्शन नौ में बताया गया पनिशमेंट सेक्शन टेन में और सेक्शुअल हेरेसमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड इलेवन में बताया गया और ट्वेल्व में उसकी पनिशमेंट एवरी इज क्लियर तो में, offenses, offenses हो और में उनकी पनिशमेंट्स हो गई इसी तरीके से और बच्चों का यूज पोर्नोग्राफिक के लिए भी बहुत होता था पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए भी बच्चों का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया तब आपका आता है एक और पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर थ्री एक और चैप्टर आपका यूज होता है दैट इज चैप्टर नंबर थ्री जब आप किसी बच्चे का इस्तेमाल जब आप किसी बच्चे का इस्तेमाल करते हो फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए बच्चे का इस्तेमाल भी बहुत होने लगा ये भी रोकने के लिए यह भी रोकने के लिए क्या किया जाता है यह लेजिस्लेशन बना आप अगर सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर थर्टीन को देखोगे फोर्टीन को देखोगे तो आपको देखकर समझ में आएगा इफ यूर गोइंग टू लुक एट सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नंबर तीन सेक्शन एंड चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पेज

बच्चों को इन ऑफेंसेस से रोकने के लिए उनके साथ ऐसे ऑफेंसेस ना हो इसलिए भी ये लेजिस्लेशन तो चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री आपको क्या बताता है ऑफेंसेस के बारे में क्लियर है और अगर आप इन्हीं पर्टिकुलरली ऑफेंसेस का अटेम्प्ट या बैटमिंट कर दो तो चैप्टर नंबर टू में ऑफेंसेस बताए गए हैं और चैप्टर नंबर थ्री में पोर्नोग्राफिक ऑफेंसेस जो बच्चे के अगेंस्ट में होते हैं उसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस अगर इनसे रिलेटेड आप कोई भी अटेम्प्ट अबेटमेंट करते हो करेक्ट बात है तो इसको लेकर चैप्टर नंबर फोर बताया गया इफ यू सी फॉर इट अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर फोर यानी कि अगेन योर सेक्शन नंबर सेवनटीन सेक्शन नंबर एटीन तीन सेक्शन एब्रेम किया आरिया बात समझ में बच्चे का इस्तेमाल अगर मैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए कर रहा हूं चैप्टर नंबर टू पोर्नोग्राफिक पर्पेस के लिए कर रहा हूं चैप्टर नंबर थ्री थर्टीन से लेकर सिक्सटीन और अगर इन दोनों ऑफेंसेस का मैं को मैं को कोई भी व्यक्ति अबेट करे या अटेम्प्ट करे उसका तो चैप्टर नंबर के अंदर दैट इज सेक्शन एंड इसमें यह भी बताया गया है ऑफ यू कोई दिक्कत दो मिनट्स में राइट right? स्लाइड्स में दस और ले सकता हूं बट देर इज अर्टन रीजन एम नॉट टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एक बार आप समझो मतलब इंपॉर्टेंट है स्लाइड्स तो मैं दस और ले लूंगा कोई दिक्कत नहीं आर वी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एवरी वन ऑफ करेक्ट एवरीवन सो दिस इज द होल पर्टिकुलर पर्पस ये एक्ट बताया गया यानी कि अगर अपन मोटे-मोटे तौर पर अपन देखें इस एक्ट का पर्पस है बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करना बच्चों को पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्ट करना करेक्ट है राइट right. तो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड बात कहां की गई है चैप्टर नंबर 2 के अंदर की गई है करेक्ट है सेक्शन नंबर थ्री से लेकर सेक्शन ट्वेल्व में सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन देने के लिए लेजिस्लेशन लाई गई है और किसी बच्चे का इस्तेमाल अगर आप पोर्नोग्राफिक के लिए कर रहे हो तो चैप्टर नंबर थ्री के अंदर इज सेक्शन से लेकर सिक्सटीन तक ये पर्टिकुलर पार्ट part आपका बताया गया नौ अगर कोई भी व्यक्ति इन ऑफेंसेस का अगर कोई भी व्यक्ति इन ऑफेंसेस का अबेटमेंट करता है करेक्ट बात है अबेट करता है या या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति अटेम्प्ट करता है एवरीवन इज क्लियर तो वो भी लोगों को पनिश किया जाएगा इवन अटेम्प्ट शुड बी मेड पनिशेबल इवन अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस शुड बी मेड पनिशेबल बिल्कुल तो अगर आप सेक्शन नंबर 16 को देखोगे सेक्शन नंबर 17 को देखोगे तो अबेटमेंट को डिफाइन किया गया है वही सेम पर्टिकुलर तरीके से जैसे डिफाइन आपका सेक्शन नंबर के अंदर को किया गया 107. Similar तरीके से section 16 of, of this particular act में को किया गया वही तीन पर्टिकुलर तरीके से करेक्ट है तो कोई भी व्यक्ति जो अबेट करेगा राइट सेक्शुअल ऑफेंसेज या पोर्नोग्राफी में उन पर्टिकुलरली लोगों को सत्रह के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी फॉर अबेटमेंट पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ठीक है और सेक्शन 18 के अंदर क्या बताया गया सेक्शन 18 के अंदर हम लोग बताएंगे अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे ठीक बात एवरी वन ऑफ यू यानी कि अगर मैं आप लोगों के पास में बड़ी सा, बड़ी, बड़ी साधारण से पर्टिकुलर फॉर्म में बात करूं एवरी वन ऑफ यू इफ आई एम ओनली गोइंग टू टॉक टू यू इन द मोस्ट ईजीएस्ट ऑफ पर्टिकुलर मैन सॉरी ये पंद्रह तक था और ये सिक्सटीन तो अगर मैं बहुत आसानी से बहुत बेसिक पर्टिकुलर फॉर्म में बात करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है मेरे को जो रोका जा रहा है कोई ऑफेंसेस करने से वो कुल मिलाकर ये है चैप्टर टू चैप्टर थ्री या कोई व्यक्ति अबेटमेंट या अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है चैप्टर टू या चैप्टर थ्री के ऑफेंसेस का उसे चैप्टर फोर के अंदर पनिश किया जाएगा बस आर वी क्लियर विद दैट एवरी वन ऑफ यू ये इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मुझे करने से रोका जा रहा है क्या क्या चीजें डिटेल फॉर्म में है अभी अपन दो मिनट में देखेंगे बट सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात अगर मैं बताऊं तो कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस को जिनको कैटेगराइज किया गया है दैट इज पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वॉट इज पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट वो सब अपन देखेंगे और इसका पनिशमेंट जो है वो कहां पर बताया गया है सेक्शन नंबर फोर के अंदर क्लियर है सेक्शन नंबर फाइव के अंदर क्या बताया गया है एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट बताया गया है करेक्ट है और इसका पनिशमेंट अपन को कहां पर मिलेगा इसका पनिशमेंट अपन को सेक्शन नंबर सिक्स के अंदर मिलेगा आपको सेक्शन नंबर सेवन के अंदर क्या बताया गया है सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बताया और सेक्सुअल असोल्ट का पनिशमेंट मुझे कहां पर मिलेगा सेक्सुअल असोल्ट का पनिशमेंट मुझे सेक्शन एट में मिलेगा

एंड उनकी जो पनिशमेंट है वो आपको इवन नंबर्स के अंदर मिल जाएगी सी फॉर इट एवरी वन सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं किसी बच्चे का इस्तेमाल वॉट इज यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज इस बात का मतलब क्या है किसी चैप्टर नंबर थ्री जो है वो बात करता है जब आप किसी बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज राइट पोर्नोग्राफिक पर्पजेज के तो किसी अगर बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए किया जाएगा ऐसे बच्चों का इस्तेमाल ना हो पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यह लेजिस्लेशन बनाई जाती है जो डिफाइन वर्ड किया गया है सेक्शन नंबर तेरह को देखोगे तो वो डिफाइन कर रहा है क्या डिफाइन कर रहा है इस ऑफेंस को यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज कैसे कहेंगे कि हम किसी व्यक्ति का किसी बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस वो तेरह के अंदर डिफाइन किया गया है चौदह में उस बात का पनिशमेंट बताया गया

कमिट एन ऑफेंस इधर अंडर चैप्टर नंबर टू और अंडर चैप्टर थ्री किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंटेंशनली एड कर रहे हो राइट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री तब कहेंगे कि आपने अबेटमेंट किया अंडर दिस एक्ट एन एस आ है बात समझ में अब अब इन दिस पर्टिकुलर यस राइट अब अब इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टैंस अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ये बोलता है कि इसका पनिशमेंट कहां पर दिया जाएगा वेयर यू आर गोइंग टू पनिश द पर्टिकुलर पर्सन एवरी वन ऑफ यू तो बड़ा सिंपल सा चीज है अगर कोई व्यक्ति अबेट कर रहा है जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को अबेट किया टू कमिट पेनेट्रेटिव असॉल्ट अगेंस्ट चाइल्ड तो उस जो व्यक्ति कर रहा है उसे तो पनिश सेक्शन फोर में किया जाएगा क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को अबेट किया मुझे पनिश be... सेक्शन करने का प्रयास किया करेक्ट है और ये ऑफेंस सिर्फ एक अटेम्प्ट बनकर रह जाता है जस्ट एक तो सेक्शन 18 में मुझे पनिश किया आर वी क्लियर विदरी वन ऑफ यू आई विल बी पनिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन

पूरा का पूरा बच्चों को पूरा पूरा उनके बेनिफिट के लिए राइट right? ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन बनाई जाती है कैसे कह सकता हूँ इट्स अ चाइल्ड बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ऑफेंसेज के बारे में बात कर रही है ठीक है करेक्ट है

एवरीवन इज क्लियर राइट यहां पर क्या होता है इस चैप्टर के अंदर रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस होती है करेक्ट है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी बच्चे के साथ अभी जो हमने देखा चैप्टर 2 का चैप्टर 3 का चैप्टर 4 का कोई भी ऑफेंस होता है किसी भी बच्चे के साथ इवन अगर एनी पर्सन एप्रिहेंड्स कोई भी व्यक्ति चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो इंक्लूडिंग द चाइल्ड या कोई भी व्यक्ति जिसको एक रीजनेबल सा एप्रिहेंशन है रीजनेबल सा एप्रीहेंशन है कि किसी बच्चे के साथ में एक ऑफेंस कमिट हो सकता है किसी बच्चे के साथ में आ रहा हूं तान्या उस पर भी आ रहा हूं जेंडरल न्यूट्रल एम गोइंग टू टॉक अबाउट दो पार्ट एक बार बस मैं ओवरव्यू दिखा दू इट इज द जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन बट गिव मी मिनट जस्ट टू टू फिनिश पॉइंट आई विल कम जनरल न्यूट्रल पर अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ में किसी बच्चे के साथ में अगर कोई भी ऑफेंस होता है अंडर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इस एक्ट के अंदर किसी बच्चे के साथ चैप्टर नंबर टू का थ्री का फोर का कोई भी ऑफेंस हो रहा है अगर ऐसा भी है मुझे है मेरे साथ नहीं हो रहा बट आई हैव दिस कि उस बच्चे के साथ कोई पर्टिकुलर व्यक्ति वन है एक्ट कमिट कर रहा है जो इस एक्ट में प्रोहिबिटेड है चैप्टर टू में चैप्टर थ्री में और चैप्टर फोर में जिन्हें ऑफेंस का दर्जा दिया गया तो क्या मैं भी क्या यह मेरी भी जिम्मेदारी है टू कम एंड रिपोर्ट दिस ऑफेंस इधर बिफोर इधर बिफोर द पुलिस ऑफिसर या तो मुझे पुलिस ऑफिसर के पुलिस स्टेशन के पास पुलिस स्टेशन में आकर दर्ज कराना है या एक स्पेशल स्पेशल पुलिस बनाई जाती है। पुलिस यूनिट यूनिट बनाई बनाई जाती जाती है है इज ये इनमें से मैं किसी के सामने भी आकर क्या इस ऑफेंस को दर्ज करवा सकता हूं ये मेरी जिम्मेदारी है बेटा क्लियर अबाउट दिस इज दिस इज माय पर्टिकुलर माय पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या करना है कि इस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 19 में आकर हर उस व्यक्ति को हर उस व्यक्ति को सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही सिर्फ की की हो रही है, है जिसे चाइल्ड का दर्जा दिया गया चाइल्ड कौन है चाइल्ड कौन है एक कोई भी मेल या फीमेल पर्टिकुलर इंडिविजुअल नॉट बिलो द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर राइट अठारह साल से कम का 18 साल से कम का 18 इयर्स से बिलो का कोई भी मेल या कोई भी फीमेल इस एक्ट के अंदर क्या कहलाया जाता है चाइल्ड कहलाया जाता है ये टू क्लॉज डी में डेफिनेशन दी गई इस एक्ट तो ऐसे बच्चे के साथ अगर कोई भी अपरिहेंशन हो रहा है ऐसा ऑफेंस आपको लग रहा है कि यार कोई व्यक्ति इसके साथ ऐसा ऑफेंस कर रहा है आपकी नॉलेज में भी है यू हैव एन रेजनेबल अपरिहेंशन यार इसकी फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति इस बच्चे के साथ में कोई ना कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है या में या पोर्नोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल या अबेटमेंट या अटेम्प्ट करने का प्रयास कर तो फिर ऐसे सर परिस्थिति में जिन भी व्यक्ति को पता होगा उसे आकर इस ऑफेंस की रिपोर्ट करनी है यस हैव टू डू द रिपोर्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस अपन किसके सामने करेंगे बेटा किसके सामने रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस होगी तो रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस पुलिस पुलिस ऑफिसर के पास पुलिस थाने में जाकर कर दीजिए या एक स्पेशल जो पुलिस यूनिट बनाई जाती है इन बच्चों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिट एक टुकड़ी बनाई जाती है इज क्लियर क्लियर एक टुकड़ी बनाई जाती है आर वी विद दैट ऑफ यू तो वहां जाकर क्या करना है रिपोर्ट करना है एवरी यस प्लीज कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड जल्दी से बताइए पहले तो. तो रिपोर्ट करने कौन जाएगा रिपोर्ट करने कोई भी ये नहीं है कि उस बच्चे को ही जाना है कोई कोई दिक्कत ठीक है? है अब एक चीज़ आती कि कुछ ऐसे भी पर्टिकुलरली लोग होते हैं अगर ये पर्टिकुलर लोग जिसको पता है एनी पर्सन जिसको पता है कि भैया हमको क्या करना है वी हैव टू रिपोर्ट दिस पर्टिकुलर ऑफेंस बट वो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करता सेक्शन 19 के अंदर इनकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट करनी करेक्ट बट अगर ये व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करते तो इनको पनिशमेंट दी जा सकती है यस बिकॉज दिस इज अ चाइल्ड बेनिफिशियल लेजिस्लेशन तो ऐसे लोगों को पनिश कहा किया जाएगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी ऐसे लोगों को पनिश कहां करेंगे ऑफ यू सेक्शन नंबर के अंदर ऐसे लोगों को पनिश करेंगे अभी अपन पनिशमेंट ये नहीं देख रहे हैं कितनी है क्या आज अपन इसके स्ट्रक्चर को समझ ये आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक बार स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दिमाग में बैठ गया थिंग्स विल बी सुपर इजी तो यानी कि इस एक्ट के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट चैप्टर और वही ऑफेंसेस बता रहे हैं अगर वो ऑफेंस किसी बच्चे के साथ चाइल्ड बोले तो जो बच्चा मेल या फीमेल जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है ये करेक्ट तो अगर कोई भी बच्चा अठारह साल से कम का है करेक्ट है चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो तो फिर इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस उसके साथ अगर कोई ऑफेंस का इवन एप्रीहेंशन है रीजनेबल या आपको एक नॉलेज में है कि ऐसा अपराध हो रहा है आपको आकर रिपोर्ट करना है उन्नीस में कि किसके सामने स्पेशल पुलिस यूनिट के सामने कर दीजिए या पुलिस ऑफिसर्स के सामने अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हो इफ यू फेल टू रिपोर्ट आपकी ऑब्लिगेशन है तो आपको पनिश कहां पर किया जाएगा ट्वेंटी वन के अंदर यू विल बी पनिश अंडर सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिमिलरली एक और पर्टिकुलर चीज होती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फॉल्स रिपोर्टिंग कर देते हैं इज क्लियर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं बट फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों को सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री के अंदर पनिश किया जाएगा अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट में एक फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स रिपोर्ट लगा देता है तो उसको पनिश कहां पर किया जाएगा सेक्शन नंबर 23 के अंदर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पनिश किया जाएगा एवरीवन सर ये पता कैसे चलेगा कि किसी बंदे को पता था ऑफेंस को ऑफेंस uh, हो रहा है बट उसने रिपोर्ट नहीं किया नॉट एवरी वुड नो दिस एक्ट इज ले गिरीश मैं आपको बताता हूं इसका कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है कि हर व्यक्ति को यह बात पता हो ठीक है ना सेक्शन एक इंडिविजुअल तौर पर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मोरालिटी और हमारे कॉन्शियंस को भी जगा रहा आर बी अंडरस्टैंडिंग दैट ऑफ यू यस इज क्लियर अबाउट दिस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यस yes, तो अगर ये पर्टिकुलर एक्ट जो है जो आपको जो आपको बेसिकली पर्टिकुलरली बता रहा है सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू सेक्शन प्रोसीजर फॉर मीडिया बट इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करिएगा ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए भी तो जगा रहा है कोई भी लॉ मुझे ये क्यों सिखाता है कि किस हर्ट में ना करूं आईपीसी के अंदर सिंपल हर्ट में ना करूं मर्डर ना करूं वाई state it इसलिए भी कि आप लोग सीखो आपकी morality, एक मोरालिटी एक इंडिविजुअल कॉन्शियस जो है वो कहीं ना कहीं जागृत हो अच्छा क्या अगर किसी को पता था और हमें नहीं पता है हमें कैसे पता चलेगा उसको नहीं पता हुआ है एक इंडिविजुअल मॉरलिस्टिक फॉर्म में ये बनाना जरूरी था ताकि आप लोग रिपोर्ट करो बिकॉज दिस इज अ चाइल्ड बेनिफिशियल लेजिसलेशन ये बताया जा करेक्ट बात है अच्छा अगर हम पता ही नहीं कर पाएंगे किसी बच्चे के साथ में किसी कोई व्यक्ति को पता था नहीं था तो यू ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू पनिश हाउ विल देयर बीन वेस्ट टू अंडरस्टैंड करेक्ट है बट एक मोरलिस्टिक फॉर्म में अगर आपको पता है श्योर दैट अ पर्सन न्यू अबाउट इट देन वो आए और आकर क्या करे और आकर पर्टिकुलरली रिपोर्ट करे अगर इवन देख रहे हो कितना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे एक apprehension भी है। apprehension मतलब एक युक्ति युक्त फॉर्म में अगर आपकी सोच भी है कि इस बच्चे के साथ में कोई व्यक्ति शायद वन ऑफ दी ऑफेंस सेक्शन टूल टू थ्री एंड फोर में कर रहा है एक रीजनेबल एप्रीहेंशन बच्चा दबा दबा रहता है जब उस बच्चे जब उस व्यक्ति के पास में आता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है एक रीजनेबल एप्रीहेंशन भी हो सकता है वो बच्चा है, ऐसा ही हो तो भी आप आए और आप आकर रिपोर्ट करें बाकी पुलिस देखे एवरी वन इज क्लियर दिस हाउ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इज फ्रेम नाउ अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रिपोर्ट नहीं करता रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी 19 में 19 में नहीं रिपोर्ट करता 21 में पनिशमेंट Now, अगर कोई व्यक्ति झूठी रिपोर्टिंग करता है किसी व्यक्ति को सिर्फ डिफेम करने के लिए उसकी रेप्यूटेशन कोस्ट इंजरी कॉस्ट करने के लिए उसे तंग करने के लिए उसे परेशान करने के लिए समाज के अंदर अगर वो ऐसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशान करने के लिए तंग करने के लिए ऐसा करता है तो पनिशमेंट कहां पर है सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू के अंदर एवरीवन इज क्लियर सो दैट इज एन पर्टिकुलर अच्छा कुछ और भी लोग हैं एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट कुछ और भी पर्टिकुलर लोग हैं जिनकी कुछ जिम्मेदारी है ये yes. ये तो हो गए बेसिक लोग हम जैसे कॉमनर्स राइट right? हमारी जिम्मेदारी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास में चाइल्ड से रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट डिपिक्शन विजुअल इमेजेस सीधे पहुंच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास शायद बड़ी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी उन इमेजेस की जो बच्चे से रिलेटेड है हो सकता है कुछ पर्टिकुलरली बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा हो उसकी कुछ निकेड इमेजेस हो न्यूड इमेजेस हो करेक्ट है या उसका इस्तेमाल किसी पर्पज के लिए किया जा रहा हो और ये जो पर्टिकुलर इमेजेस हैं कुछ लोगों को पहले मिलती हो जैसे कि अगर आप जाएंगे होटल्स वगैरह में लॉज में करेक्ट बात है एवरी वन ऑफ यू या कोई मीडिया वगैरह हो गया राइट right? या कोई फोटोग्राफ वगैरह राइट इन मीडिया चैनल्स वगैरह को मिलता है तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन नंबर ट्वेंटी के अंदर बताएगी बात है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां बताई गई है सेक्शन नंबर ट्वेंटी के अंदर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि इन्हें क्या करना है इनको भी रिपोर्ट करना है कि हमें कुछ ऐसे डिपिक्शन मिले हैं कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली हैं जो बच्चे से रिलेटेड है which deals with of child. ये जो पिक्चर्स या जो विध वगैरह हमें मिले हैं ये क्या शो कर रहे हैं डिपिक्शन शो कर रहे हैं सेक्शुअल डिपिक्शन शो कर रहे हैं ऑफ द चाइल्ड करेक्ट बात है तो उनको क्या इन पर्टिकुलर इमेजेस को तुरंत रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है टू द अथॉरिटीज यस सेक्शन नंबर ट्वेंटी आर वी क्लियर विद दैट वीयर दिस पर्टिकुलर सेक्शन दिस पर्टिकुलर जो पार्ट है वो सिर्फ रिपोर्टिंग करने की बात कर एवरीवन क्लियर कि इंडिविजुअल जो है वो रिपोर्ट करे अगर बच्चे से रिलेटेड कोई ऑफेंस आती है उन्नीस में नहीं करेगा तो इक्कीस में पनिशमेंट है ठीक है अगर फॉल्स रिपोर्टिंग कोई भी व्यक्ति कर रहा है बाईस के अंदर पनिशमेंट है अगर कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्सेसिबिलिटी होती है मीडिया वगैरह होती हैं जिनके पास इमेजेस या ये सब चीजें बहुत आसानी से या बहुत आराम से पर्टिकुलरली मिल जाती हैं होटल लॉज का स्टाफ इन लोगों को तो क्या इनकी जिम्मेदारी भी है कि ये लोग पर्टिकुलरली इन्फॉर्म करें नियर बाय अथॉरिटीज को दैट दे हैव दैट कि उनके पोजेशन में कोई सेक्शुअल डिपिक्शन ऑफ चाइल्ड रिलेटेड इमेज है एवरी वन ऑफ यू ये उन सबकी जिम्मेदारी आर बी क्लियर विद दैट तो अगर ये जो पर्टिकुलर लोग हैं उन्हें मेक श्योर sure करना है कि वो इसके बारे में बताया अच्छा अब अगर ये लोग भी नहीं बताते होटल के लॉज स्टाफ वगैरह ये वाले लोग भी नहीं बताते इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहां पर बनती है बेटा इनको भी पनिशमेंट सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन में यानी कि अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोलूं बहुत इजी वर्ड्स में बोलूं तो सेक्शन नंबर नाइनटीन में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो कोई ऑफेंस रिपोर्ट नहीं करते हो कोई ऑफेंस और सेक्शन नंबर ट्वेंटी के अंदर वो जो मीडिया वगैरह के लोग हैं अगर वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं अगर उनके पजेसन में या उनकी कॉग्निजेंस में या उनकी नॉलेज में कोई एक ऐसी इमेज वगैरह आती है जो डिपिक्ट कर रही है क्या डिपिक्ट कर रही है सेक्सुअल कंटेंट रिलेटिंग टू अ चाइल्ड तो फिर उनको क्या करना है इन दैट पर्टिकुलर परिस्थिति उन्हें रिपोर्ट इन दोनों जगह कर अगर ये दोनों लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इफ दे आर फेलिंग टू रिपोर्ट दे आर फेलिंग टू रिपोर्ट देन इन दैट सिचुएशन पनिशमेंट पर होगी ट्वेंटी वन में दोनों की पनिशमेंट है. Uh, है तो पनिशमेंट कहां पर है अगर कोई फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहा है तो फिर सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू रिपोर्टिंग तो कर रहा है उन्नीस लेकिन झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है तो बाइस के अंदर अच्छा अगर बच्चा फॉल्स रिपोर्टिंग करेगा अगर बच्चा खुद फॉल्स रिपोर्टिंग करेगा तो पनिशमेंट दी जाएगी नहीं। अगर बच्चा फॉल्स रिपोर्टिंग करेगा तो वी आर नॉट गोइंग टू पनिश। कोई दिक्कत। एक मिनट। इट इज रिटेन इन सेक्शन नंबर थर्टीन दैट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी चाइल्ड कर रहे हैं बच्चे इंडी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं दे आर एजुकेशन अगर आपने इंडी रिप्रेजेंटेशन एक्ट के बारे में पढ़ा होगा तो वो कहता है अगर आप लोगों ने क्योंकि मैंने इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी पढ़ा है इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन का एक्सेप्शन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन पब्लिक वेलफेयर अगर आप लोगों ने इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ बत, कोई भी पर्टिकुलर इमेज भले ही जाए कितनी ही इंडीसेंट क्यों ना हो लेकिन अगर वो पर्टिकुलर इमेज जो है वो एजुकेशन साइंस इन सबके लिए प्रमोट कर रही है तो फिर ऐसी एजुकेशन दी जा सकती है मैमी पो, पोको पैंस का जो आप पर्टिकुलरली वो बता रहे हो तो ओवर देयर पर्टिकुलरली क्या रहता है पेम्पल्स वगैरह के जो एड बताए जाते हैं वो लोगों को बता रहे हैं बच्चों के लिए एडवर्टीजमेंट in that circumstance they are not something whereby the the child is indecently represented mensuria is also looked everyone is clear are you baat samajh mein yes communicative theory everyone is clear are we clear about this particular so you also have to look at the mensuria the intention part to it also everyone is clear koi dikkat koi doubt koi dikkat nahi completely all right everyone is clear about this yes or no right कि अगर मैं अगर मैं इस बेसिस पर यह आर्गूमेंट लू मैं आप लोगों को इंडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी पढ़ाऊंगा राजस्थान के और अदर पर्टिकुलर स्टेट यूपी वगैरह में भी आता है तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पर कुछ पर्टिकुलरली टेम्पल्स है देर आर फ्यू पर्टिकुलर टेम्पल जैसे कामाख्या माता का मंदिर है कामाख्या देवी मा, आ, माता का देर इज अ मंदिर वहां पर जो पर्टिकुलरली पूजा की जाती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पूजा की जाती है यस सोरेनो एवरी वन ऑफ यू

आरया बात समझ में यस yes, प्लीज अब एक और पर्टिकुलर चीज है लेट्स कम टू अनादर पर्टिकुलर पॉइंट अब आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस पता लग गया एक सेक्शन नंबर 24 कहता है प्रोसीजर फॉर मीडिया भी मीडिया को भी रेगुलेट करने को कहता है कि भैया देखिए बच्चे का नाम वगैरह ये सब आप क्या नहीं करेंगे अगर कोई ऑफेंस बच्चे के अगेंस्ट में हो रहा है तो बच्चे का नाम बच्चे का एड्रेस वगैरह ये सब आप नहीं बताएंगे प्रोसीजर फॉर मीडिया कोई भी ऐसी रिपोर्ट या कोई भी ऐसा नहीं किया जाएगा मीडिया में या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज हैविंग कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बच्चे की फैमिली डिटेल्स नेबरहुड एंड ऑल ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस नहीं बताई जाएगी दैट इज सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री प्रोसीजर फॉर मीटिंग आर वी क्लियर विद ये भी चीज हमको बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है yes? कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी यानी कि इन सब माध्यम से जो मैं आपको पॉइंट प्रूव करना चाहता था क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर इट्स अ चाइल्ड बेनिफिशियल लेजिस्लेशन यस और नो यस आप देख रहे हो बच्चा अगर कंप्लेन नहीं कर रहा है फेल कर रहा है रिपोर्ट ऑफेंस करने के लिए तो बच्चे को नहीं पनिश कर रहे है वो अगर झूठा भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में गवाही दे रहा है रिपोर्ट कर रहा है ऑफेंस तो भी बच्चे को नहीं पनिश कर रहे मीडिया को बोल दिया गया है कि भाई बच्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब तक ऑथेंटिक फॉर्म में ना हो तब तक आप प्रिंट नहीं करेंगे तो आप उसकी आइडेंटिटी उसके स्कलू स्कूल उसके नेबरहुड के बारे में डिस्क्लोजर्स नहीं करोगे ये सब बातें वहां पर बता दी गई यानी कि दिस लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन चाइल्ड चाइल्ड न्यूट्रल या फ्रेंडली अच्छा और भी कुछ तरीके हैं क्या जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये yes, और भी कुछ तरीके हैं। जैसे कि अगर आप इसका चैप्टर नंबर सिक्स देखोगे या आप चैप्टर नंबर एट देखोगे तो पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर सिक्स देखिएगा और चैप्टर नंबर एट देखिएगा दो चैप्टर ठीक है एवरीवन अगर आप चैप्टर नंबर सिक्स देखोगे तो ट्वेंटी फोर से लेकर ट्वेंटी को मिलेंगे है ऑफ यही पर्टिकुलर प्रोविजन बताए गए और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक सेक्शन नंबर थर्टी थ्री से लेकर थर्टी एट प्रोविजन देखने को मिलेंगे दोनों जगह ये भी उसी कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स का कैसे है चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स का पर्टिकुलरली क्या है एक्सटेंशन है ये पर्टिकुलर है कैसे जरा दो मिनट सुनिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अब बड़ा सीआरपीसी जैसा सिस्टम है लगभग सीआरपीसी जैसा सिस्टम है सिर्फ थोड़े से चेंजेस देखिए जब आप सीआरपीसी पढ़ते हो तो वहां पर कोई जब ऑफेंस दर्ज होता है आपको रिपोर्ट करना पड़ता है जिसे हम एफ कहते हैं यस yes, यहां पर भी करना पड़ता है जब ऑफेंस रिपोर्ट होगा तो फिर उसके बाद में क्या लिया जाएंगे स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं एवरी वन ऑफ यू 161 सिक्सटी वन ऑफ सीआरपीसी के अंदर यस सिमिलरली यहां पर भी देखिए सेक्शन नंबर 24 में पुलिस को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जब वो बच्चे के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे एवरी वन इज क्लियर यस प्लीज जल्दी से देखिए टे तो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर में बताया गया है of of ना अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है करेक्ट बात है एवरी वन ऑफ यू यू है कंप्लेट इन रिलेशन टू चाइल्ड नाइनटीन में जो आपको बताई गई थी yes, 20 वाली थी ट्वेंटी में आपने कर दी you have, you have given all of that. अब जरा एक बात को समझने का प्रयास करना अब बच्चे के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे ठीक है ना उस पर्टिकुलर विक्टिम के स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। अब जरा रिकॉर्डिंग ऑफ सीआरपीसी में भी हो रही है, एक सौ इकसठ में, तो में, में पुलिस बयान दर्ज करती है और एक सौ चौसठ के अंदर कन्फेशन और स्टेटमेंट जो है मेरा फोकस सिर्फ स्टेटमेंट पर है सेक्शन वन सिक्सटी फोर के सबसे में मैजिस्ट्रेट लेते हैं यहां पर भी वैसी कुछ सिचुएशन uh, है एक 24 के जो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे वो कौन करेंगे पुलिस रिकॉर्ड। बच्चे के जो स्टेटमेंट्स दर्ज किए जा रहे हैं बच्चे की uh, बच्चे के अब स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे तो 24 में कौन लेगा पुलिस लेगी और 25 में कौन लेगा 25 में मेजिस्ट्रेट लेगी क्लियर बात एवरी वन ऑफ यू और दोनों को कुछ बातों को फॉलो करना है वाई बिकॉज दिस इज अकॉज दिस इज आज दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन अ चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन है चाइल्ड बेनिफिशियल लेजिस्लेशन यानी कि जब पुलिस वाले जाएंगे तो उनको उनको उनके घर जाकर ही विक्टिम के चाइल्ड विक्टिम के घर जाकर ही स्टेटमेंट दर्ज करने एवरीवन ऑफ यू एट द रेसिडेंस ऑफ देम यस बिल्कुल वो क्या यूनिफॉर्म्स में जाएंगे तो बच्चे डर सकते हैं यस yes, तो नो यूनिफॉर्म्स एवरीवन इज क्लियर कोई भी यूनिफॉर्म्स वगैरह पहनकर आपको बच्चे के स्टेटमेंट लेने नहीं जाना है यू कैन गो इस दौरान नहीं लाया जाएगा ये ये बहुत है। बहुत है कि जब भी स्टेटमेंट बच्चे के दर्ज कराए जाएंगे उस चाइल्ड नेवर बी एक्सपोज्ड टू अक्यूज्ड अक्यूज की प्रेजेंस में वो स्टेटमेंट्स नहीं ले सकती पुलिस आर वी क्लियर अबाउट इट यानी कि इस एक्ट को मैं देखकर ये कह सकता हूं दैट दिस इज अ चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन बेटा एवरी वन ऑफ यू क्या ये एक चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन है यस यस इट इज अ चाइल्ड फ्रेंडली बिल्कुल दिख रही है अच्छा अगर बच्चे की हम स्टेटमेंट देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि बच्चे की स्टेटमेंट कभी भी नाइट में नहीं लिए जाएंगे राइट नो द पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी इन नाइट एवरी आफ्टर सनसेट एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं यानी कि अगर एक बेसिक तौर पर मैं देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है देखिए कितनी कन्वीनियंस दी जा रही है बच्चे को एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स ये एक्ट प्रोवाइड करता है मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं बेटा वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग उसके पीछे क्लियर कट लॉजिक है एवरी वन इज क्लियर आर वी क्लियर अबाउट दैट एवरी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो आई आई विल विल हेल्प यू ठीक है ना दिस इज माई नंबर ये मेरा नंबर है आप यहाँ से पर्टिकुलरली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर आई विल हेल्प यू ठीक है टेस्ट सीरीज वगैरह या किसी भी बैचेस वगैरह से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आर वी क्लियर विद दैट ऑफ यू कैन वी कम बैक नाउ तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा एंड नाउ लिसन टू दिस कि आप देख रहे हो कि वाई एम आई पॉइंटिंग चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर बिकॉज जस्ट लेट मी टेक यू आउट एक मिनट दीजिएगा मुझको सिर्फ मेरे फर्स्ट पर्टिकुलरली पेज पर जाने के लिए राइट right? ये देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा था अभी मैंने एक भी रीड नहीं किया बट एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाई एम आई मैं उनमें चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स देखिए इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है यस yes.

पर ही पर्टिकुलरली बच्चे के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी सेक्शन 24 में यूनिफॉर्म्स भी नहीं रिकॉर्ड करेगी अक्यूज uh, को कभी भी अक्यूज के प्रेजेंस में कोई स्टेटमेंट्स नहीं लेगी पुलिस बच्चे के चाइल्ड विटनेस के कोई भी पर्टिकुलरली स्टेटमेंट जो है वो नाइट में नहीं लिए जाएंगे दैट विल नॉट बी टेक इज बिल्कुल है राइट right, विक्टिम के स्टेटमेंट्स उसके पेरेंट्स के सामने लिए जाना भी कंपलसरी है यस yes, एक सेक्शन नंबर है ट्वेंटी सिक्स अगर आप ट्वेंटी सिक्स सेक्शन नंबर को देखोगे वो कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस की बात करता है

तो अगर मैं अगर मैं सेक्शन ट्वेंटी सिक्स को आप देखोगे ना वहां पर लिखा है कि बच्चे के जो स्टेटमेंट दर्ज कराए जाएंगे वो कहां पर दर्ज कराए जाएंगे हमेशा पेरेंट्स की उपस्थिति में दर्ज कराए जाएंगे पेरेंट्स या कर की उपस्थिति में दर्ज कराए जाएंगे ऐसा वहां पर लिखा हुआ, 25 में लिखा हुआ है कि जब मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा करेक्ट है तो वहां पर ये क्लियर बोल दिया गया है जो एडवोकेट है अक्यूज्ड का अक्यूज का जो एडवोकेट है अक्यूज्ड के एडवोकेट की प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट्स नहीं दर्ज कराए जाएंगे नाउ दिस इज अ डिवियेशन फ्रॉम सीआरपीसी प्रोसीजर एवरीवन इज क्लियर अगर आप लोगों ने एक या एक सेक्शन देखा होगा सीआरपीसी का राइट और एक का क्लॉस फाइव या सेक्शन वन इन जनरल देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जब भी स्टेटमेंट्स कौन दर्ज करता है जब भी स्टेटमेंट्स मजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कंपैरिजन है और बहुत ध्यान से सुन

लेकिन लेकिन इस एक्ट के अंदर बिकॉज़ दिस इज़ अ चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन सेक्शन नंबर में लिख दिया गया है कि जब मैजिस्ट्रेट किसी बच्चे के बयान दर्ज करेगा चाइल्ड विटनेस के तो वहां पर के एडवोकेट की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है स्टेटमेंट्स विच द मैजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड विटनेस दैट शैल बी टेकन इन देंस ऑफ क्लियर क्शन नंबर ट्वेंटी इन जनरल तो हमें देखकर यह समझ में आ रहा है वी आर बेसिकली एबल टू कॉम्प्रीहेंड वेल की यह जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपका क्या बता रहा है वो भी चाइल्ड फ्रेंडली टेक्निक्स आपको बताने की बात कर रहा है जैसा बच्चा स्टेटमेंट बोलेगा वैसा का वैसा वर्बे टीम डू यू है पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्डी फाइव के क्लॉज नंबर वन में यह भी लिखा गया है जैसा स्टेटमेंट बच्चे ने दिया है

और पर्टिकुलरली क्या ट्रांसलेटर्स दिए जा सकते हैं यस कैन बी गिवन आया बात समझ एवरीवन मैं वही बता रहा हूं कंचन रीजन एक्सेप्शन इसका यही है बिकॉज वी डोंट द चाइल्ड टू फेस एनी काइंड ऑफ थ्रेट एनी काइंड ऑफ फियर दैट इज वाई इट इज अ चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है जब हम लोग अभी अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे ना जब आप लोग सेक्शन वन के पहले इतना बड़ा जो पर्टिकुलरली आपको दिया गया उससे क्वेश्चन बनते हैं ये मैं उसी की नींव रेडी कर रहा हूं ठीक है

यूनिफॉर्म पुलिस ना पहनकर आए अक्यूज उसके सामने ना लाया जाए मैजिस्ट्रेट जब स्टेटमेंट दर्ज करें तो बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट दर्ज करें जैसे बच्चे ने कहे हैं ऑल ऑफ दैट 26 एडिशनल प्रोविजन uh, की बात करता है और चीजें क्या की जा सकती है इस दौरान तो वो बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलरली बच्चा वगैरह है तो उसके स्टेटमेंट हमेशा उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन के समक्ष रिकॉर्ड किए जाएंगे एवरीवन दे विल बी टेकन अब देखिए के एडवोकेट की प्रेजेंस में भले ही नहीं है बच्चे के स्टेटमेंट जो मैजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन जो बच्चे के स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट या पुलिस के समक्ष रिकॉर्ड हो रहे हैं 26 में एडिशनल प्रोविजन में उन्होंने क्या बोल दिया वो स्टेटमेंट हमेशा पेरेंट्स या गार्जियन के, के सामने रिकॉर्ड टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ इर् बात समझ में एवरी वन ऑफ यू एवरी वन इज और भी कई सारी चीजें एक्ट के अंदर इफ यू सी फॉर इट तो वो आपको बताता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स को ही अगर आप देखेंगे तो वो ये भी कहता है कि ट्रांसलेटर्स अगर बच्चे को पर्टिकुलरली क्या है वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो इंटरप्रिटर्स ट्रांसलेटर्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि उस बच्चे को समझ में आए उससे पूछा किया जा रहा है और अगर बच्चा कोई और लैंग्वेज में आंसर करता है तो ट्रांसलेटर्स की मदद लीजिए राइट उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए यस और आर वी क्लियर विदरी मन दैट इज समेड डाउन द मिडिल आपको एक आइडिया अच्छा खासा मिल रहा होगा चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर से रिलेटेड या सोरेन एवरी वन इवन सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर में जो स्टेटमेंट लेने की बात कही गई है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के लिए कही गई जो स्टेटमेंट दर्ज करें एज फार एज प्रैक्टिकेबल क्या प्रयास किया जाए कि वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो बच्चे की स्टेटमेंट ले देख रहे हो कितना कंफर्ट बच्चे को देने की बात कही गई

लेकिन यहाँ पर जो 33 थ्री टू थर्टी में जो बयान लिए जाएंगे ये एविडेंस एविडेंस वाले हैं। ट्रायल के दौरान या के दौरान दौरान या बच्चे वहां पर भी यही सब हैुलर चाइल्ड that, that जो भी पर्टिकुलर बच्चा होगा उसे अक्यूज के डायरेक्टली पर्टिकुलरली प्रेजेंट में नहीं रखा जाएगा यानी कि जब भी बच्चे के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे ड्यूरिंग ट्रायल जब उसकी एविडेंस ली जाएगी चाइल्ड विटनेस की जब भी कोई भी एविडेंस ली जाए इट शैलन इन्यूज उसका ये बच्चा जब भी उसकी एविडेंस दर्ज कराई जाएगी तो ऐसा नहीं होगा एवरीम सब कुछ होते बिल्कुल नो सारा का सारा जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है

26 के अंदर एडिशनल पर्टिकुलरली ड्यूटीज बताई गई हैं कुछ एडिशनल और चीजें क्या की जा सकती हैं चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स वो 26 में बताए गए हैं 27 के अंदर रिपोर्ट बताई गई है मेडिकल एग्जामिनेशन अगर बच्चे का होगा तो कैसे होगा दैट इज 27 वो भी चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर पेरेंट्स के सामने होगा एवरी इज क्लियर ऑल ऑफ दैट वैसे ही अगर आप चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर एट को देखोगे थर्टी थ्री टू थर्टी एट ये एविडेंस के दौरान है जब बच्चे की चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी एविडेंस ली जाएगी तो वो कैसे ली जाएगी अक्यूज सामने नहीं आएगा एवरी वन हर वो क्वेश्चंस बच्चे से अवॉइड करवाए जाएंगे जो बच्चे के अंदर किसी फॉर्म ऑफ फियर वगैरह एंड ऑल ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स क्रिएट करें दिस इज ऑल गिवन पर्सनल मॉनिटरिंग करेगा कोर्ट खुद एज द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड

किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक परपजेस के लिए इस्तेमाल करते हो तो सेक्शन नंबर से फिफ्टीन में इसको लेकर प्रावधान बताए गए चैप्टर नंबर के अंदर आपको यह बताया गया है अगर कोई व्यक्ति अबेटमेंट करेगा अबेट्मेंट का पनिशमेंट और अटेम्प्ट अबेटमेंट सेक्शन सिक्सटीन पनिशमेंट सेक्शन नंबर सेवनटीन और अटेम्प्ट का ऑफेंस सेक्शन नंबर एटीन और उसकी पनिशमेंट भी बनी चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर ये हो गए मेरे करेक्ट टू से लेकर चैप्टर नंबर से लेकर चैप्टर नंबर फोर में ऑफेंसेस ठीक है? रिपोर्ट करने का प्रोसीजर रिपोर्ट करने का स्टेटमेंट्स दर्ज कराए जाएंगे किसके सामने पुलिस के सामने 24 में और फिर मेजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे सेक्शन में कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज भी हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी पुलिस को और मैजिस्ट्रेट को जब वो बच्चे के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो ट्वेंटी सिक्स में है और मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का कैसे होगा दैट इज इसके इसके बाद इसके बाद अब अभी तक अपन कोर्ट्स कोर्ट्स के सामने नहीं थे वी वी वर वर नॉट नॉट बिफोर बिफोर द द इज अब इन मैटर्स को डील करने के लिए जब ऑफेंसेस रिपोर्ट हो जाएंगे बेसिक प्री ट्रायल प्रोसीजर हो जाएगा तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चैप्टर नंबर फाइव तक हो गया यहां पर

किसी भी कोर्ट ऑफ़ सेशन को क्या दर्जा दिया गया है एक स्पेशल कोर्ट का सेक्शन नंबर के अंदर देखकर बताइए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में राइट right, एक या एक से ज्यादा जो भी सेशन कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं क्या उनको दर्जा दिया जा सकता है कोई भी पर्टिकुलरलीफेंसिस आता है उन मैटर्स को कौन डील करेंगे अबाउट कोई दिक्कत कोई डाउटी एट टू थर्टी टू एवरी वन इज क्लियर तो बोला गया है वहां पर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इन द स्टेट राइट हर स्टेट के अंदर ये होगा ठीक है ना तो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट क्या बना, बनाएगी किसी कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है यस yes. इस इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उन मैटर्स को डिसाइड करने के लिए दे आर आर गोइंग टू डू द सेम इज क्लियर क्लियर वी ये जितने भी मैटर्स हैं, इनसे रिलेटेड ऑफेंसेज कौन से कोर्ट के समक्ष जाएंगे स्पेशल कोर्ट के समक्ष स्पेशल कोर्ट्स के समक्ष स्पेशल कोर्ट का दर्जा किसे दिया है कोर्ट ऑफ सेशन को एक स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है सेक्शन नंबर 28 के अंदर जो स्पेशल कोर्ट होगा जो स्पेशल कोर्ट होगा कौन कौन एक कोर्ट ऑफ सेशन को डिजाइनट करेगा एज अ स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी राइट जिस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है उस स्टेट के हाईकोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ कंसल्टेशन कर कर वो किसी कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन को एक दर्जा देगी स्पेशल कोर्ट का जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन बन जाएंगे इसके बाद ये लोग एविडेंस लेंगे करेक्ट है एविडेंस में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे किसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे चाइल्ड विटनेसेस के चाइल्ड विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए यू हैव 33 टू 38 प्रोविजंस एंड द लास्ट पार्ट इज मिसलेनियस सिर्फ मिसलेनियस है कि uh, कौन पर्टिकुलरली लोग जो हैं रूल्स कौन बनाएंगे एवरी वन इज क्लियर अबाउट इट ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ठीक है ना पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज ठीक है अगर इस एक्ट का अगर इस एक्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए विथ और अदर पर्टिकुलर लॉ या इस एक्ट में जो पनिशमेंट बताई गई है और किसी और दूसरे लॉ में जो पनिशमेंट बताई गई है किसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी यानी कि इन एडिशन वर्क करेगा कौन सी हायर पनिशमेंट वाला जिस भी लॉ में है क्या वैसे रूल चलेगा वैसे पनिश किया जाएगा जैसे आईपीसी में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर ऑफेंस बताया गया और इस एक्ट में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर ऑफेंस बताया गया अब मान लेते हैं इस एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पनिशमेंट ज्यादा है कंपेयर टू आईपीसी तो क्या यहां वाली पनिशमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी yes, यस एवरी कोई दिक्कत कोई डर अरे काजी आ गया आज बहुत दिनों बाद भाई काजी दिख रहा है

हूम फिरकर अगर मैं एक बेसिक मायने में बोलूं तो ये इस लेजिस्लेशन का ढांचा है दिस इज द दिस इज हाउ दिस होल लेजिस्लेशन ऑपरेट ये पूरी की पूरी लेजिस्लेशन ऐसे ऑपरेट करती है अभी के लिए मेरा जो पर्पस था इस पर्टिकुलर क्लास का वो यही था कि टू लेट यू नो अबाउट व्हाट कि ये एक्ट कैसे ऑपरेट करता है मेरा जो कल का लेक्चर होगा उस कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके सारे ऑब्जेक्ट

क्योंकि आज मुझे आ, सिर्फ एक तीस मिनट का लेक्चर ही लेना था बट ठीक है चीजों को समझाने के लिए टाइमिंग ही कई बार नहीं देखा जाता इट इज वॉट मैटर्स मोर इज टू गिव यू एन आइडिया अब मुझे बस इतना बताइए इतना पर्टिकुलर चीज बताइए राइट प्रतीक्षा आई विल स्टेट एवरीथिंग इन पर्टिकुलर जो जो चीजों पर मैं आता जाऊंगा आई विल गिव यू ऑल द पार्ट डोंट इवन वरी अबाउट राइट मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता हूं कि आज के लेक्चर में जो मेरा बस आज के लेक्चर का ध्यय था वॉज आई एबल टू रीच आउट टू यू विद दैट पर्टिकुलर पार्ट क्या आपको ये समझ में आया प्रॉपरली एवरी वन ऑफ यू सर आपने कल लिमिटेशन आया कि नहीं 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 भाई कल मैंने क्लास नहीं लिया आई वॉज ऑलरेडी आई वॉज बिजी कल भाईदूज थी हमारे मालवा रीजन में भाईदूज मनाई जाती है तो दैट इज़ वाई मैंने क्लास केड्यूल कर दी थी बट आई कुड नॉट टेक क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एक दो बजे की क्लास चल दी तो अगर गाइज एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगी आप सभी लोगों से अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं ये एक ओवरव्यू था पूरे एक्ट का ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रियली मीन्स अ लॉट थैंक यू सो मच नाउ ना एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट इज अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो लॉ विथ विशाल के नाम से सो दैट यू गाइज डोंट मिस आउट ऑन सेशन क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कई सारी लेजिस्लेशंस इन रिलेशन टू दिस लेकर आने वाला हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कंचन यस काजी थैंक यू थैंक यू सो मच तो आई होप एक बेसिक आइडिया सभी लोगों को इस क्लास के अंदर लगा होगा इस पूरे एक्ट का आप ये समझ सकते हो मैंने आप लोगों को एक नेविगेशन करा दिया है कि एक्ट कैसे फंक्शन करता है अब अपन लोग इसके एक एक को, एक एक प्रोविजन को को भी मैं पढ़ाऊंगा आई आई कैन कैन राइट टीच यू एवरी सिंगल पर्टिकुलर क्लॉस ठीक है जो बच्चों ने मुझसे प्लस में यह पढ़ा हुआ है दे नो अबाउट दिस पार्ट हाउ ब्यूटिफुली वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर लेक्चर आप लोगों को भी वो बताऊंगा आज तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखाना ठीक है थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है प्लीज मेक श्योर करिएगा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का मेरे से रिलेटेड कुछ सेशन हमारे स्पेशल क्लास पर भी होंगे ठीक है ना तो आप मेक श्योर करिएगा कि मेरी स्पेशल क्लास जो है वो भी आप ज्वाइन करें अभी इंडेमनिटी के ऊपर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्पेशल क्लास पर होने वाला है और भी पॉक्सो से रिलेटेड लेक्चर्स मेरे स्पेशल क्लास पर होंगे स्पेशल क्लास भी हमारा प्री पर्टिकुलर फोरम है गाइज अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है सेशन को प्लीज लाइक करिएगा सेशन को दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन वो एक बहुत सारा मोटिवेशन देता है इस क्लास में पैंतीस से ज्यादा लोग बैठे हुए थे तो आई वुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ लाइक्स तो होने चाहिए अगर किसी ने लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन दूसरी चीज ये कि यहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम हियर दूसरी चीज जो है ये टेलीग्राम ग्रुप के अलावा लेट मी ऑल्सो इन्फॉर्म यू रिलेटिंग टू दिस इस टेलीग्राम ग्रुप के अलावा अगर आप में से किसी को मेरी स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है मतलब फ्री प्लेटफॉर्म है हमारा जैसे यहाँ पर है आपको एक पर्सनल टच मिलेगा इधर दैट इज माई स्पेशल क्लास राइट सो एज यू गाइज केव क्रॉस्ड वन मिलियन वॉच मिनट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर डूइंग सो राइट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल पर्टिकुलर पार्ट अभी मैंने लिमिटेशन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया था सेक्शंस मेरा एक लेक्चर रिलेटिंग टू पॉक्सो यूट्यूब के अलावा यहाँ पर भी रहेगा ठीक है सो प्लीज अगर आप लोगों ने आ, मतलब ऑलरेडी बिजी इसलिए मैं पर्टिकुलरली नोट्स नहीं ठीक भी है ना सो so, अभी थोड़ा सा तीस तारीख तक के लिए थोड़ा सा मैं बिजी हूँ इसके बाद में आई विल कीप ऑन सेंडिंग जो भी मैंने पर्टिकुलरली आपको तो आप so, अगर आप में से कोई भी लोग जो हैं वो मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेशल क्लास जो है यहाँ पे फॉलो विशाल सिंह ऑन अनकेडमी से आप कर सकते हैं अगर आपने हमारी ऐप आप डाउनलोड नहीं की है फ्री ऐप है फ्री लेक्चर्स हैं सब एक्सेसिबल होते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने मेरी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड की हुई है तो आप हमारी लर्निंग ऐप अनकेडमी की डाउनलोड एंड्रॉइड यूजर्स यहाँ से कर सकते हैं और एप्पल यूजर्स इधर से Last but not the least, let me very quickly inform you about the current offer which is going on an academy, जहाँ पर 20% off के साथ up to तो 12 months का free extension आप लोगों को मिल रहा है, right? So if any one of you are interested, you guys can join and enroll into our particular batch using my referral code Singh Vishal. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग यहाँ पर enroll कर सकते हैं। यहाँ पर March 28th is the last day, that is today is the last day to get this particular offer. कि आज आखिरी दिन है अपना ऑफर अवेल करने का तो प्लीज मेक इट अ पर्टिकुलर पॉइंट कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं इफ यू रियली लाइक द पर्टिकुलर क्लासेस तो आप जरूर आ, इसको मैं आपको इस पर अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूं अगर आप में से किसी भी लोगों को अगर कोई क्वेरी रहे तो आप लोग मुझसे यहाँ पर डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं इन रिलेशन जैसे कि आप, आपको अगर कोई भी क्लास से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि हमारे बैचेस कब आने वाले हैं अगर हमारे ऑफर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आपको ये जानना है इन रिलेशन टू इट कि क्लासेस uh, कैसे होती हैं हाउ थिंग्स बेसिकली गो बाय ऑफर अगर आप मेरे नाम से कोड परचेज करना चाहते हैं मेरा रेफरल कोड है सिंह विशाल तो मैं ये बोलूंगा ज्वाइन करने से पहले पहले मुझसे एक बार संपर्क जरूर करिए डू टॉक टू मी अबाउट इट एंड आई विल सर्टेनली लेट यू नो एनी थिंग एंड एवरीथिंग मेरे खुद के कई सारे बैचेस जैसे कि रणभूमि वन पॉइंट ओ एंड टू पॉइंट ओ कभी करेंटली रनिंग में है रनिंग में है इसके अलावा राजस्थान से लेकर राजस्थान का मैं एक रिस्पेक्टिव बैच भी हम लोग लेकर आए हैं ठीक है और अभी मेरा एक अगले मंथ में यानी कि नेक्स्ट मंथ से थर्टींथ से मेरा एक बैच जो है वो आने वाला है ठीक है नेक्स्ट मंथ की थर्टींथ से आई एम गोइंग टू लॉन्च माई न्यू पर्टिकुलर बैच सो इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड आप इस पर्टिकुलर बैच में भी ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं क्लियर तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो

फ्री एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिल रहा है करेक्ट तो अगर आप लोग यहाँ हैव ट्वेंटी फोर इंटू सेवन रिकॉर्डेड से मिलते हैं कंप्लीट रिकॉर्डेड एक्सेस टू अवर वीडियो अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस की यू एक्सेस एक सब्सक्रिप्शन से आप हमारे सारे बैचेस सारे कोर्सेज सारा सब्सक्रिप्शन एक एक सब्सक्रिप्शन से सारे बैचेस और कोर्सेज को आप देख सकते हो ठीक है सो अगर मेरा भी कोई बैच चल रहा होगा अनिल खन्ना सर का बैच चल रहा होगा तो भी पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं थैंक यू सो मच रियली कल फिर वापस से सेशन से रहेगा तो प्लीज आप आइएगा टूमो द सेशन इज अगेन गोइंग टू बी एट एक्सेस टू ऑल बैचेस राइट आप यहां से देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स कवरेज आपको मिलेगी ठीक uh, है रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज रहती है एंड इन डेथ नो ई नोट जो लोग बच्चे जानते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट गेट एक्सेसिबिलिटी टू माई पर्टिकुलर नोट्स आई कैन अश्योर यू दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ नोट इन पर्टिकुलर राइट सो अगर जो भी बच्चा ज्वाइन करता है मेरे रेफरल कोड से यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज थिंग विशाल तो मैं आप लोगों को अश्योर करके दे सकता हूँ आप लोगों को कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है इट कवर्स कॉम्प्रीहसिवली ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्रिलिम्स मेन्स और इंटरव्यू ऑल्सो राइट सो दो बच्चे मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं यानी कि सिंह विशाल माय रेफरल कोड जो ये यूज करते हैं उन पर्टिकुलरली बच्चों को खुद के नोट्स जो रहते हैं जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराता हूँ वो वो सब्जेक्ट के नोट्स में नोट कर क्लियर है सो so, अगर आप में से कोई भी लोग ज्वाइन करना चाहे तो ये आज आखिरी डेट है गाइज हरी ऑप फॉर दैट और अगर आप में से कोई भी लोग ज्वाइन करना चाहेगा तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो यू गाइज कैन जस्ट कॉल मी ऑन पर्टिकुलर नंबर और व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर चलिए गाइज प्लीज डू लाइक द सेशन अगर आपने सेशन को लाइक like नहीं किया होगा जल्दी मिलते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच